रहमान रहीम, मैं कराची आर्ट्स काउंसिल का बहुत ही एहसानमंद गुजार हूँ। बिल्कुल मुझे ये नहीं मालूम था कि ये अहमद शाह मुझे हमेशा से बहुत तंग करते रहते हैं और मैं किसी बात को रद्द करने की जरूरत नहीं करता और जो ये कहते हैं बस वो मान लेता। पहले एक महफिल में मुलाकात हुई और वही उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे यहाँ हाजिर होना, मगर ना मेरे हिल में नहीं था। अगर मुझे अच्छा लगता है जब कोई सेलिब्रेशन होती है और मैं बिल्कुल उन लोगों में नहीं हूँ जो आज ही के तौर पर ये कह दें कि मुझे तो बुरा लगता है, ना अखबार गुजरती है बात। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरी तस्वीर छपती है, कोई मेरा इंटरव्यू होता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। अभी नौजवान बच्चों ने कुछ मेरी मुशायरी के कुछ हिस्से सुनाए, इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक ज़माने में मैं जवान भी था और ये भी अंदाज़ा हुआ कि मैं किस तरह की बातें फजूल करता रहता था। और ये जो इलाका है, अक्सर शायरी मेरे दुनिया की इसी इलाके की मेरे मिलत है, इसलिए कि उस ज़माने में यही तीन चार जगह थी जहाँ आदमी फरार अख्तियार करता था तो पनाह लेता था और वगैरह वगैरह। मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है आज मेरे ऐसे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमाए, जो मैं कहता हूँ कि मेरे सबसे सीनियर बुज़ुर्ग हुसैन अली साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए। ये पाकिस्तान के तो एक बहुत बड़े आदमी हैं और हमारा जो तरकीब है तबका है, इनको इस शहर से जब निकाला गया तो फिर ये यहाँ वापस नहीं आए और वहाँ रह गए। ये हमारे शहर की अजीब गरीब रवायत है, मीर अनीस मरहूम के बारे में लिखा गया है कि एक दफ़ा वो कोई मर्सिया पढ़ रहे थे तो एक साहब ने ऐन उस वक्त कुछ पान वगैरह खाने शुरू किए और तो मीर साहब उठे और उठकर चले गए कि अब ये शेर जो है हमारे शेर सुनाने के लिए रह नहीं गया। और 7 बरस उन्होंने फिर उस शहर में मर्सिया नहीं पढ़ा। तो सदर अयूब खां के ज़माने में कुछ लोग यहाँ से शहर बदर कर दिए गए थे और हुसैन नकवी साहब उन लोगों में थे। उस ज़माने में NSF नहीं होती थी, ये लोग गालिबन पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन वगैरह कहलाती थी और नकवी भाई और डॉक्टर सरवर और अदीबुल हसन रिजवी साहब, ये सब उस ज़माने के मातूब लोगों में हैं जो अब अल्लाह ने इनको इज़्ज़त बख्शी। और बहुत मेरी लिए बहुत इस कदर मुझे खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे दोस्तों में यहाँ इशफाक आ गया हुआ है, कैनेडा से तो है उस वक्त आ गया हुआ है, यहाँ मज़र भाई हैं, मुबीन हैं और सलमान बिल्कुल मेरे लिए भाइयों की तरह बेटों की तरह है। बहुत आपकी मेहरबानी कि आपने याद फरमाया और इस कदर अच्छी मौसीकी सुनवाई और बच्चों ने जो मेरी गज़लें गाई उसमें एक आध लफ्ज़ उन्होंने बदला तो अच्छा लगा कि अभी इस शहर में इस्लाह करने वाले हैं। और अच्छा, बाद उसकी इस्लाहें ऐसी हैं कि जो मैंने कबूल की, आइंदा जब मैं पढ़ूंगा तो उसको उसी तरह से पढ़ूंगा वगैरह वगैरह। मगर देखिए, ये इसी से मैं बात शुरू, मैं कहता रहता हूँ कि मैं मेरे नाम पे वक्तन फवक्तन लॉटरियाँ निकलती रहती हैं। मैं TV में काम करता था और एक छोटी सी मंजिल में और यहीं कराची TV में, तो एक रोज़ टेलीफोन आया और हमारी जो टेलीफोन ऑपरेटर थी, मेरे पास उस वक्त बराह रास्त फ़ोन होता नहीं था, उन्होंने मुझसे कहा कि ये खातून है, मैंने उन्हें कहा हुआ था कि मुझे फ़ोन नाम पूछ के मिलाया करें, तो उन्होंने कहा कि कोई खातून है लाला मूसा से। तो मैंने उनसे कहा कि लाला मूसा में मेरी कोई खातून नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि वो इसरार कर रही है। अब जब मैंने फ़ोन लिया तो मालूम हुआ वो रोशनारा बेगम थी। और उन्होंने मुझे, अब आप समझिए, मैं तो कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया, कहने लगी कि मैंने आपकी गज़ल गाई है प्रोग्राम में, ख्वाजा नजीम हसन हमारे दोस्त उन्होंने वो कब गवाई थी और ये होने को तो क्या हुआ नहीं है ये उन्होंने गाई, ये उनकी वो तो ज़ाहिर है वो तो क्लासिकल म्यूज़िक ओरल ट्रेडिशन में थी। कभी कभार गज़लें, शायद उन्होंने ज़िंदगी में 2-4 गज़लें गाई तो उन्होंने ये गज़ल गाई। और एक लड़का, एक मेरे साथ काम करता था बच्चा, मरहूम, उसका नाम था मरहूम सिद्दीकी, एक दिन वो आया, वो प्रोड्यूसर हो गया बाद में,
और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी गजल जो आई है, तो मैंने कहा क्या किससे, तो उसने कहा कि मोहम्मद अली शेखी से। अच्छा, अब वो मोहम्मद अली शेखी उस ज़माने में नौजवान, उस ज़माने में बहुत ही नौजवान थे, और ये वो उस पर उन पर दोनों को कुछ कहते थे गालिबन बेल बॉटम्स, वो पहने हुए। अच्छा, वो तो जो रक्स करते हुए गाते थे, तो मैंने कहा भाई गज़ल कैसे रक्स करते हुए गाएगा। मगर उसने कलर टीवी का पहला प्रोग्राम था और उसने वो गज़ल गाई, जान बहुत शर्मिंदा है। अब वो उसका इतना बुरा इस्तेमाल हुआ कि जब मैं मुल्क से बाहर चला गया तो मुख्तलिफ लीडरों के नाम से वो आने लगा, जान बहुत शर्मिंदा है के बजाय उनके नाम रख देते थे और उसको बना लेते थे, मसलन गुट्टू हम शर्मिंदा हैं वगैरह, और तेरे खातिर जिंदा हैं, और बहुत सा आखिर में एक नारा लगा जो मैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, इसलिए कि मुझे दो एक साल दो एक महीने भी जिंदा रहना है। तो कराची मुझे बहुत अजीज़ है, और जाहिर है कि सबको अजीज़ होता है जहाँ मैंने ज़िंदगी के बहुत अच्छे दिन यहाँ गुजारे। मैं लखनऊ से जब आया तो मेरी उम्र 21 बरस कुछ महीने थी, मैंने मास्टर्स ख़त्म किया और मैं यहाँ चला आया। तो उस ज़माने में इसके बाद से मैं फिरता रहता हूँ, कभी 13-14 बरस मैंने लंदन में गुजारे, कुछ दो बरस के करीब मैं न्यूयॉर्क में गुजारा, अभी 4 बरस मैं ईरान में रह के आया। मगर कराची वो जब मैं कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरा कराची से ताल्लुक़ है और मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ कि कराची से ताल्लुक़ है। एक दफ़ा मैं जब बेरोज़गार हुआ तो मुझे बुलाया गया, बताया गया कि आपको कराची किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होकर चले जाइए। तो मैंने कहा कि मैं कराची नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने मुझसे जवाब में पूछा कि सबब, तो मैंने कहा कि मैं कराची में मरना चाहता हूँ मगर मारा नहीं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मैंने कहा मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक दिन गोली से बरामद हूँ, मेरे ऊपर लिखा हुआ हो कि ये हरान साहब वगैरह वगैरह। लेकिन जाहिर है कि सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। मैंने ये गज़ल लिखी लंदन में और मुझे कराची बहुत याद आता था। उसमें एक शेर आया कि तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। तो कल जनमुद्दीन हैदर साहब तशरीफ़ फरमाते, वो उस ज़माने में होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने उससे उनसे ताल्लुकात अच्छे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ़लाँ शायर ये कह रहे थे कि आप जो हैं वो आपने ये शेर लखनऊ वगैरह के बारे में लिखा है। तो मैंने कहा नहीं, लिखा तो मैंने कराची के बारे में, अब अगर आपको अगर इसरार है तो मैंने लखनऊ के बारे में लिखा। कोई इसमें यानी जो आदमी ज़िंदगी के दिन जहाँ गुजारता है वो सब उसको याद आते हैं, कोई आदमी ऑक्सफर्ड में पढ़ता है सारी ज़िंदगी वो कहता है, अपने नाम के आगे लगा लेता है ऑक्सफर्ड। अब मैंने अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है तो मुझे इस पर फ़ख्र है। मैं वहाँ जो हुसैन अकी साहब जो हैं ये इनके मैं इनको वहाँ से नहीं जानता, इनको मैं इनको बिल्कुल एक दूसरी हैसियत से जानता हूँ। इनके जो छोटे भाई थे वो मेरे दोस्तों में थे और मेरे बैतबाजी के मुकाबले में वो आते थे, और कभी मैं जीतता था और कभी वो जीतते थे, और हमें दोनों को बहुत शेर याद थे। अच्छा, वो तो रहते भी उस आबादी में थे जहाँ बहुत से शायर रहते थे, इनके महल्ले में बड़े बड़े लोग रहते थे, और आलू साहब अब उन्होंने आवाज़ रखी और कौन कौन। अच्छा, मैं तो कोई बहुत ही गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ था, तो मैं तो बस जो गुलदस्ते एक चीज़ होती थी जिसमें मुशायरों की रुदात जमी होती थी, तो मैं पूरा गुलदस्ता याद कर लेता था, और मैं हमेशा मुझे हमेशा कोई ना कोई नाम ज़रूर मिलता था, वो सब मैंने जमा कर रखे। ज़िंदगी में मुझे बहुत अच्छा सलूक किया, और कराची में मैंने सिंध में ज़िंदगी गुजारी, कोई मुझे अनकाइंड आदमी नहीं मिला, मैंने कोई सिटी ऐसा नहीं देखा जिसने मुझसे तासुब बताओ। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जब BCCI बैंक बंद हुआ और मैं उसमें बेरोज़गार हुआ, तो जो सबसे पहले जिन्होंने मुझे मुलाजमत के लिए डांटा डपटा वो गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब थे, जिनके बारे में शोहरत ये थी कि वो बहुत ही मुतासिब आदमी बिल्कुल ऐसे नहीं थे, और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं उनके कहने से यहाँ वापस आया पाकिस्तान। भाई हट जाओ आगे से। तो और मैं इतने 30 बरस वहाँ रह रहा हूँ,
मैंने जिंदगी में मैं कहता था ये नकी भाई जाते हैं, एक हमारे यहाँ लखनऊ में दो कॉलेज स्कूल मशहूर थे, क्रिश्चियन कॉलेज मशहूर था, एक जुबली कॉलेज मशहूर था, तो मैं और आसन आदि साहब और शौकत सिद्दीकी साहब, ये हम लोग एक कॉलेज के और एक यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, हमने जुबली कॉलेज में पढ़ा है और उन्होंने भी जुबली कॉलेज में पढ़ा है और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। तो कोई मैं ये सोचता था कि जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं जुबली कॉलेज का प्रिंसिपल हूँगा, और हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि जहाँ भी मैं रहूँ मैं अपने जो मेरी पोजीशन है वो बहुत ही वगैरह वगैरह। अब मैंने सारी ज़िंदगी मुझे कोई यानी मैं एक शुक्रगुजार आदमी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की बहुत, और ये देखा कि सारा कोई ज़िंदगी के पूरे किस्से में जो 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 अमली ज़िंदगी है, मैं उर्दू वर्कर्स का मुझे सरबराह बनाया गया, मैं 14 बरस रहा वहाँ, फिर मैं अकादमी भी आते पाकिस्तान का मैं सरबराह रहा, फिर मैं मुक्तदरा कौमी ज़बान का सरबराह रहा, फिर मैं नेशनल बुक फाउंडेशन का हेड रहा, फिर मैं ECOIC का सदर बना के भेज दिया गया, मैं पहला नॉन ईरानियन प्रेसिडेंट था जो बनाया गया, तो अल्लाह ने भी बहुत इज्जत बख्शी होगा। तो मुझे कोई जो भी चैलेंजेस होते थे वो मैं उनको भुगता लेता था, और मैंने कभी कोई आशाकश नहीं खाई, और अल्लाह ने मुझे बहुत करम फरमाया बहुत ही। और शायरी मैं हमेशा से ये कहता था कि बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुझे, मैंने एक दफ़ा TV के ऊपर एक इंटरव्यू मैं जब ये छोड़ रहा था तो मुझसे कहा गया कि आप ये कहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से TV छोड़ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं कह दूँगा मुझे क्या है भाई। मायत अली शाह साहब इंटरव्यू ले रहे थे, तो उस ज़माने में मैं 31 बरस का भी नहीं हुआ था, और मैं ग्रेड 8 उस ज़माने में बड़ा ग्रेड समझा जाता था, तो मैं उसमें काम करता था। तो जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तो मुझे कहा गया कि आप कहिए, जब मुजीबुर रहमान साहब के हमारे होते थे और उन्होंने फरमाया कि आप ये कहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, मैंने कहा मैं कह दूँगा मेरे क्या है जी, मैं आया और मैंने कह दिया। तो हिमायत भाई इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, मैंने कहा मैं चाहता ही हूँ कि मेरे पास बहुत पैसे हों और मैं टॉप पोजिशन पर काम करूँ, और मैंने एक और बदतमीजी की बात की और ये मैंने TV में कह दिया, मगर उस ज़माने में ये सब बातें मैं कर सकता था। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे जो मेरी उम्र नहीं है ऐसी कि मैं कब वो बात कोई कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो, और मैं चाहता हूँ ये हो और मनसब सबसे ज़्यादा हो। तो एक साहब होते थे मुजफ्फर अहमद ज़िया, वो ज़माने में करेक्टर कस्टम्स होते थे, उन्होंने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया, लाइव प्रोग्राम होता था कि ये आपने क्या कहा है कि आपको, मैंने कहा देखिए आप अच्छा शेयर नहीं कहना चाहते, आपको ये मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे अच्छे शेयर कहूँ और मैं सबसे ज़्यादा आला मनसब पे फायज़ हूँ, और दुनिया की जो सबसे खूबसूरत खातून वो मेरी दोस्त वगैरह वगैरह, तो मैं तो ये चाहता हूँ, अगर आप नहीं चाहते आप कहिए मैं नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ। तो जो भी मैंने कभी भी मैं जिसे फ़िक़ही ज़बान में उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है मुस्तजाब दावत, यानी जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाए। मैंने देखा कि ज़िंदगी में मेरी बहुत दुआएँ कबूल हुई, और यानी अगर मैं गौर करूँ कौन सी दुआ मेरी कबूल नहीं हुई तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। मैं आप देखिए मैंने 78 बरस अपने पूरे कर लिए और कभी कोई ऐसी दुआ नहीं थी, और अगर एक आध चीज़ मुझे मैसर नहीं आई तो उस पर मुझको पूरा यकीन है कि अगर वो मैसर आ जाती तो मेरे लिए नुकसान भी होती वगैरह वगैरह, और इसका पूरा मुझे ईमान है। और मैं ये कहता हूँ कि कोई आदमी जो मेहनत करता है उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, ये पाकिस्तान जैसे माशरे में भी ये काम मुश्किल नहीं है। और मुझे मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मुझे तासुबात का सामना नहीं करना पड़ा, और यानी सिंध में जैसे फर्ज कीजिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब थे, शेख अयाज साहब थे, आप यकीन करेंगे कि हमारे सिंधी मेरे बॉस थे, चेयरमैन थे अकेडमी ऑफ लेटर्स के, मैं उस ज़माने में DG होता था, उन्होंने
उन्होंने उनसे मिलने से इनकार किया, तो मैंने कहा कि मैं जाता हूँ। और शेख साहब से मेरी बहुत नियाज होती थी और वो बहुत बहुत ही मुझसे शफकत फरमाती थी, और मैं गया मिलता रहता था उनसे। ऐसे ही तनवीर अब्बासी, शेख रियाज, हैदर सिंधी, ये हबीबाश बलोच, इनसे हमारी बहुत बहुत गुलाम मुस्तफ़ा कासमी, इन्होंने बहुत अच्छा, ये सब सब तरह के लोग हर जगह होते हैं। किसी एक कबीले की बात को फिर मैं जिस तबके से था, मेरे लिए तो ये मुश्किल नहीं होता था। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई आदमी एहतराम चाह रहा है, मुझे क्या हर्ज है कि उसका भाई हज़ारों का एहतराम करना आप पे वाजिब है किसी भी ज़बान का। और अगर आप अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं तो कैसे मुमकिन है कि आप किसी और की ज़बान से फासला रखेंगे। और दूसरी बात यह कि उर्दू के सिलसिले में मैं हमेशा, जब मैं मुकद्दरा कौमी ज़बान से भी वाबस्ता था, मैं आज ऑफिशियली आपसे कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि मुकद्दरा का जो लफ्ज़ है ये बदलवा दें, तो मैंने एक जिसको उसको कहते हैं नॉन पेपर, यानी आप उसको ऑफिशियल भी नहीं बनाते और बात कह देते, तो मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहब को मैंने ख़त लिखा कि ये ऐसे है। जालंधर जैदी साहब उनके स्पेशल एडवाइज़र थे, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि बीबी कह रही है कि उससे कहो कि इतनी देर में तो मैंने मुकद्दर कुव्वतें कहना सीखा है और अब ये कह रहा है कि मुकद्दरा का नाम बदल दें वगैरह वगैरह। उन्होंने कोई नहीं बदलने दिया और वो बाद में किसी साहब ने उसको बदल दिया। तो कभी कभी और शेर कहने में मैंने दूसरी मुझे एक नेमत मैसर आई कि मुझे ये लोग मिल गए थे, फैज साहब मिल गए थे और बहुत उन्होंने मुझे किया कि जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरे उस्ताद थे एहतशाम हुसैन साहब, और मैं उनको उनका एक भतीजा था मेरे साथ पढ़ता था, जाफर बेदी उसका नाम, और वो उनको बड़े अब्बा कहता था तो हम भी उनको बड़े अब्बा कहते, और उनके घर का नाम था रजत तो वो बाबू खाने में रहते, मैं उनके यहाँ जाता था, फिर वो मेरे उस्ताद हो गए। उन्होंने मुझे ख़त लिख के दिए, सिफ्ट हसन साहब के लिए ख़त दिया, वक़ार अजीम साहब के लिए ख़त दिया, वही मिर्ज़ा साहब एक होते थे वो उस ज़माने में लाहौर में होते थे, वो हमारे यहाँ अरबी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, और उन्होंने अमीर खुसरो में सबसे पहली किताब लिखी थी। आप उनके साहबजादे थे ताहिर मिर्ज़ा, उनको आप जानते हैं, वो यहाँ डॉन के टीचर भी रहे, तो वही मिर्ज़ा साहब को ख़त दिया। तो फैज साहब से उस ज़माने से मेरा ताल्लुक था, फिर लंदन। खैर ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे दुनिया में इंसानों की सतह पर नियमतें मैसर आई। दूसरी बात यह है आगा हसन आबी साहब के बहुत ही मातूब और मुतनाज़ आदमी हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जितनी देर मैंने उनको देखा और जैसा मैंने उनको देखा, ऐसा कोई पाकिस्तानी मैंने दूसरा नहीं देखा, और इस कदर लायक और इस कदर शाइस्ता और नफीस आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो एहसान करने वाले और एहसानों को याद न दिलाने वाले आदमी थे, और मैंने कभी ऐसी कोई बात, यानी मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मरहले, ऐसे 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 लोगों के साथ उन्होंने सलूक किए कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे उन्होंने संभाला। BCCI में हर बैंक में कुछ ना कुछ होता है, मैं ये कोई नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई उनके बैंक ने कोई मुतनाज़ा काम नहीं किया होगा, मगर जो उनको सज़ा मिली वो बिल्कुल किसी और काम की थी। मैंने BBC पर उसी ज़माने में जब ये सब बाज़ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, मुझे मैं लोग जाते नहीं थे लंदन, तो मैं लंदन गया तो मुझे BBC वालों ने कांटेक्ट किया और मेरा इंटरव्यू किया, और अचानक अदबी सवाल करते करते खातून ने ये BCCI के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि BCCI में मुमकिन है कि वो जो स्कैम जिसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन था वो हुआ हो, मगर ये जो उसको लिक्विडेशन जो उसको बैन किया गया उसके असबाब कुछ और हैं। अमेरिकन्स ये नहीं चाहते थे कि कोई भी बैंक तीसरी दुनिया के लोगों को, जबकि वो उन पर बैन लगा रहे हो, उसको फाइनेंस करें, और उन्होंने अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में बहुत काम किया था हमारे बैंक वगैरह वगैरह, तो जो बैंक बंद किया गया उसके असबाब दूसरे थे, लेकिन जो बताए गए आपको वो दूसरे असबाब थे। नतीजा ये हुआ कि खुद पाकिस्तान में उनके बारे में दो राय पाई जाती, क्योंकि एक पाकिस्तानी हमारे तारिक अली साहब हैं, उनको कभी भी साउथ एशिया की कोई बात अच्छी नहीं लगती, जब तक वो कोई भी बात हो। उनकी एक किताब, मैंने उनको इंटरव्यू एक ज़माने में मैं करता था BBC से, मैंने एक इंटरव्यू किया क्या कुछ एक वाय एक छोटी सी किताब है उनकी पाकिस्तान के बारे में, तो
मैंने उनसे कहा कि ये मुझे बताइए कि जो आउटसाइडर हैं आप पाकिस्तान के, आप या निराज चौधरी या हनीफ कुरैशी और ये सब लोग जो हैं, आप सब लोग जो हैं वो साउथ एशिया, नेपाल, ये सब लोग साउथ एशिया के ख़िलाफ़ लिखते हैं, आपको साउथ एशिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मगर आपको आज तक कोई रिकग्निशन नहीं मिली, आप साउथ एशियन इंग्लिश राइटर के तौर पर मशहूर हैं, आपको टोकनिज्म के तौर पर उनको तस्लीम किया जाता है, आप उनकी मेन स्ट्रीम में कहीं भी नंबर नहीं करते, मगर उन्होंने सबसे पहले भी सियाई के ख़िलाफ़ लिखा और थर्ड वर्ल्ड फाउंडेशन के ख़िलाफ़ लिखा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर बात, जिसका हक है उसको बात करनी चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और बिल्कुल मैं समझ में कल्प कह रहा हूँ कि BCCI में बहुत सी बातें ऐसी हुई होंगी जो नासज़ा होंगी या हो सकती हैं, जिनको आप नासज़ा कहते हैं, अगर वो तीसरी दुनिया के लोगों को पाकिस्तान समेत इमदाद देते थे या फ़र्ज़ कीजिए लातिनी अमेरिका में बाद लोगों को सपोर्ट करते थे तो दैट डजंट मीन के वगैरह वगैरह वगैरह, मगर वो बाकायदा किसी साजिश के तहत बैंक को बंद किया गया। और देखिए उनके इंतकाल के, बैंक के बंद होने के बाद से लेकर आज तक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूरोप में और अमेरिका में किसी मुसलमान या तीसरे मुल्क का इस्टेब्लिश नहीं हो सका, कोई मीडिया हाउस जो थर्ड वर्ल्ड फाउंडेशन के पास, कोई मीडिया हाउस वहाँ नहीं रह सका। बहरहाल ये हिस्सा अलग है, मगर मैंने इसलिए जिक्र किया कि आवाज सराफी साहब, ये मेरे लिए इज्जत की बात थी कि मैं उनको जानता था, मैं उनको पाकिस्तान से पहले से जानता था, वो मेरे कॉलेज के पढ़े हुए थे, मेरी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो भी राय साहब महमूदाबाद के यहाँ मुलाजिम थे और इनके जो बुज़ुर्ग थे वो भी राय साहब अहमदाबाद के मुलाजिम थे, मगर मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता था। मैं जब यहाँ था तो एक आध दफ़ा इनडायरेक्टली उनसे मुलाकात न कहिए, शनासाई ऐसे हुई कि एक दफ़ा शहर में उन्होंने, किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अज़रबास हाशमी ने मुझे फ़ोन कर कहा कि इफ्तिखार तुम्हें कोई शेर ऐसा याद है जिसमें जुए का जिक्र आता है, तो मैंने कहा कि क्यों, तो कह लगे नहीं मुझे मालूम नहीं है, वो बनी साहब ने कहा है कि आज आप किसी का शायर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें जुए का जिक्र आता है। मैंने कहा अच्छा, मुझे ये मालूम था कि राजस्थान अहमदाबाद के यहाँ कौन कौन लोग परवरिश पाते थे या उनकी मुलाजमत थी, तो हमारे यहाँ एक शायर थे सफ़ी लखनवी, तो वो वहाँ पर मुलाजिम थे उस्ताद की हैसियत से, उनका एक शेर था कि दुनिया का वरक बीनिश अरबाब नज़र में, दुनिया का वरक बीनिश अरबाब नज़र में, एक ताश का पत्ता है कफे शोभदा घर में, तो मैंने कहा ये शार्पर है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ इशारा करते हुए और ये अपनी मर्ज़ी से करता रहता है। खैर तो वो उस वक्त से वो मुझे जानते थे, जब मैंने मुलाजमत छोड़ी तो उन्होंने TV में मैंने इस्तीफ़ा दिया और यहाँ गाजी भाई नहीं मालूम यहाँ हैं कि नहीं है, मैंने उनको टेलीफ़ोन किया, वो ज़माने में एक लंदन ये एक लेटर लिखते डायरी लिखते थे और सिटी पेज को भी देखते थे, तो मैंने कहा गाजी भाई आप ये ख़बर छपा दीजिए कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए कि मुमकिन है कि मैं दबाव में आ जाऊँ और इस्तीफ़ा वापस दे लूँ, तो वो फ़ौरन का क्यों तुमने दे दिया, बस मैंने कहा दे दिया और खैर वो उन्होंने ख़बर दौर में छपा दी कि मैंने इसे, तो मुझे फ़ोन आया कि इफ्तिखार आज से कही कि जब तक मैं उनसे बात न कर लूँ वो कोई मुलाजमत अख्तियार नहीं है, फिर आ साहब यहाँ तशरीफ लाए, फिर उन्होंने मुझे उसमें मुलाजमत दे दी, मेरे मेरी बहुत उन्होंने कदर की और बहुत मुझको, बहुत से लोग हैं जिन्होंने BCCI में काम किया मगर उसके बारे में ना जेवा बात करते, उनको हक है जैसे वो बात करना चाहें करें, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी में वो जो 14 बरस से वो बहुत अच्छे गुजरे और बहुत मेहरबानी के दिन गुजरे। फिर मैं पाकिस्तान आ गया और यहाँ वापस गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, मजहरुल हक सिद्दीकी साहब, ये दो ये सेक्रेटरी एजुकेशन होते थे और मुझे किसी किस्म की कोई, मैं बहुत बहुत जल्दी मैं चेयरमैन बना दिया गया मुखद्रा का, तो मैं 1995 में मैं एक बुरी बात है मगर मैं कह रहा हूँ बावजूद कि 1995 में मुझे Grade 22 मिला, मैं 2019 तक मैं लॉन्गेस्ट 722 ऑफिसर वगैरह वगैरह, मैंने कभी उस पर
अच्छा ये तो एक दुनिया की जिंदगी थी, मैं चाहता था कि मैं ये हूँ, मैं ये कहूँ कि नहीं मैं नहीं चाहता था, बिल्कुल मैं ये चाहता था कि मैं सारी तरक्की इस तरह की तरक्की करूँ, मगर मैंने कभी अपनी शायरी पर उससे कोई समझौता नहीं किया। मैंने मेरी बेटी एक है, एक मेरा बेटा है, तो जब बेटी की मेरी शादी हुई तो वो रुख्सती के लिए जा रही थी, तो मैंने उनको बुलाया अपने पास और मैंने बिठा के उनसे कहा कि बेटे मैंने ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की, और मगर मैं तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ अपनी शायरी से। बिल्कुल मैंने उससे साफ कहा, और मैंने कभी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं की सिवाय किताब के, और अल्लाह ने मेरी देखिए जब मैं बहुत ही मैं असल में लोग इसको ग्लैमराइज करते हैं, इमाम ग़ज़ाली ने कहीं लिखा हुआ है कि कभी कभी हम अपनी कमज़ोरियों को अपने आप को कि देखिए मैं तो ऐसा था, और मैं इसलिए उसको एग्रेंडाइज करते हैं अपनी गुर्बत को, लेकिन एक हकीकत होती है, हकीकत ये होती है कि मैंने बहुत गुर्बत से बिलो पावर्टी लाइन से ज़िंदगी शुरू की। ये हुसैन नबी साहब या शिकर मैं इसमें पूछेगा कि चांदी खाने में जो लोग रहते थे वो कैसे लोग रहते थे। मैंने मेरे घर में बिजली नहीं थी, मेरे घर में रोशनी नहीं थी, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मेरे घर में किताबें नहीं थी, मुझे इनाम में जो किताबें मिलती थी तो घर की दीवार में एक अलमारी बनी हुई थी, मैंने उसके ऊपर लिख दिया हुआ था किताब खाना, और उसमें अपने इनाम की किताबें ला कर रखता था। गर्मियों की छुट्टियों में बड़े आदमी जो थे वो चले जाते थे नैनीताल और मसूरी और कहाँ और कहाँ और दार्जिलिंग, अब तो जैसे हमारे यहाँ लंदन चले जाते हैं बच्चे, पेरिस चले जाते हैं अमेरिका के। मैं लाइब्रेरी चला जाता था, रोशनउद्दौला लाइब्रेरी हिंदुस्तान की बड़ी लाइब्रेरियों में थी, और मैं वहाँ दिन दिन भर बैठा रहता था और शेल्फ्स के हिसाब से पढ़ता था। मुझे तो नहीं मालूम था कि मुझे कसौली वगैरह करना पड़ेगा। अब वो यहाँ आया और उबैदुल्ला बेग साहब और उमेश भूसा से मुलाकात हुई, ये दोनों आदमी मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और बेहद यानी इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी और बहुत ही कमाल की ज़िंदगी, दोनों ने बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ही आलमाना उनका पस मंज़र था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ लगा दिया और मैंने उनके साथ मिलकर फिर मुझे अस्लम अज़हर मिल गए, और वो आगा साहब के बाद शायद सबसे ज़्यादा तरबियत उन्होंने मेरी की, और बहसीत एक अफसर, वो बिल्कुल अंग्रेज़ आदमी थे, शुरू जब हुए तो वो बिल्कुल अंग्रेज़ आदमी के तौर पर शुरू हुए थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने उनकी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल बदलती गई और वो प्रो पीपल होते चले गए, और उन्होंने यूनियंस की इजाज़त दी और लोअर स्टाफ को ऊपर लाने की बड़ी कोशिश की, मगर वही उनके जवाल का सबब बने और उन्होंने उनको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। वो कभी कहते नहीं थे मगर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई और उनको ह्यूमिलिएट किया बाद बड़े लोगों ने। यानी एक वक्त आया कि उन्हें लाहौर टीवी के, ये बैठे हुए हैं जाफर भी गया ये बताएंगे, इनके पास सारा डेटा मौजूद होता है कि उनकी एंट्री बैन कर दी गई लाहौर टीवी, और ऐसे बड़े लोग थे जिनको जो बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते थे, तो बड़ी ज़्यादती उनके साथ की, मगर कभी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया और वो उन्होंने उनसे कोई सरफे नज़र किया, तो मगर अस्तमाज़र साहब ने मुझसे बहुत बहुत शफ़क़त फरमाई।